हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर MySQL के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज हम करेंगे MySQL इंस्टॉलेशन के बारे में। जैसा मैंने अभी आपको क्लासरूम में भी कई बार बोला है कि हम जिस डेटाबेस को यूज करेंगे, हम जिस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे फॉर द ऑल द क्वेरी एग्जीक्यूशन राइट नाउ, दैट इज अ MySQL। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम आगे Oracle को भी यूज करेंगे, हम MS Access को भी यूज करेंगे। मैं आपको ऑप्शन सारे बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग हम जो अभी कर रहे हैं वो MySQL को यूज करके क्वेरी एग्जीक्यूशन को समझेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने सिस्टम को MySQL सर्वर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे MySQL को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू इंस्टॉल MySQL इन आर मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें MySQL के सेटअप को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको सिंपली गूगल पे जाना है एंड सिंपली यू हैव टू टाइप MySQL। तो यहां पर आपको मिलेगी MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट, विच इज www.mysql.com। सिंपली आपको इसको क्लिक करना है। एंड मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि MySQL इज अ फ्रीवेयर, मतलब देयर इज नो नीड टू परचेज दिस MySQL सॉफ्टवेयर, राइट, इट्स अ फ्रीवेयर। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MySQL। सिंपली आपको यहां पर जाना है डाउनलोड्स पे, और डाउनलोड्स पे जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, और यहां पर आपको जाना है MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स पे। ओके, अगेन यू हैव टू क्लिक हियर, एंड यहां पर आपको क्लिक करना है MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज पे, राइट। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको MySQL के वर्जन्स मिलेंगे फॉर 32-bit एज वेल एज 64-bit। तो हमें ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, दिस इज व्हाट द लेटेस्ट वर्जन 8.0.34, राइट। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए मुझे इसको फिलहाल डाउनलोड करना है। ओके, और ये डाउनलोड्स मैंने, दो डाउनलोड आपको मिलेंगे, वन इज द स्मॉलेस्ट वन एंड सेकेंड वन विच इज नियर अबाउट 331.3 MB का सॉफ्टवेयर है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड, ओके। और अगर आप प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं सो दैट इज योर विश, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जस्ट गो फॉर द अपडेटेड वर्जन विच इज 8.0.34, राइट। जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड, बट वेन यू क्लिक ऑन दैट ये आपसे लॉग इन इन्फॉर्मेशन मांगेगा, लेकिन फिलहाल आप इस पर क्लिक कर दीजिए नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, बट वी नीड टू वेट फॉर दैट, है ना। तो ये आपने डाउनलोड पे क्लिक किया और ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा है, 331 MB का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एक बार जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें इसके सेटअप को स्टार्ट करना है कि किस तरीके से हम MySQL के सेटअप को रन करेंगे। ओके, सो लेट्स वेट फॉर द डाउनलोड कंप्लीशन, उसके बाद आप इसके सेटअप को स्टार्ट करिए। सी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डाउनलोड, आप जब इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड जस्ट गो टू द शो फोल्डर, और आप देखिए ये आपको आपका MySQL का जो इंस्टॉलर है वो मिल जाएगा। मेरा सजेशन ये है कि आप इसको एक बार यहां से कट करके और अपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर में रख दें, ताकि फ्यूचर में आप अगर कभी भी इसको यूज करते हैं तो आपको दिक्कत ना। तो देखिए मेरे पास एक MySQL का फोल्डर है जहां पर मेरे पास प्रीवियस वर्जन भी है 8.0.33, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं 8.0.34 को, राइट। तो अब मुझे इसको सिंपली इंस्टॉल करना है, सो आई नीड टू डबल क्लिक ऑन दैट, इस पर डबल क्लिक करता हूं एंड व्हाट माय इंस्टॉलेशन इज स्टार्ट। लेकिन यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको डाउनलोड को इंस्टॉल करना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जब आप इसको स्टार्ट करेंगे सो स्टेप वन पे ये यहां पर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको किस पर्पस के लिए MySQL को इंस्टॉल करना। लेट्स सी, ये देखिए आप, कि आपको केवल सर्वर इंस्टॉल करना है और क्लाइंट और फुल वर्जन और कस्टम, राइट। तो यहां पर आप समझिए कि यहां पर जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आप सिलेक्ट करिए कस्टम ऑप्शन, कि हम खुद सिलेक्ट करेंगे कि हमें MySQL के किस किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। लाइक हम MySQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे, हम MySQL शेल इंस्टॉल करेंगे, हम MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल करेंगे। रीजन इज दैट, मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली क्या है ये, आप समझिए। मैं अगर कस्टम वाले ऑप्शन पे जाता हूं, ठीक है, पहली स्टेप में, क्योंकि कस्टम मतलब हम कुछ सिलेक्ट करेंगे कि हमें MySQL के किस किस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है, राइट। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मुझे सिलेक्ट प्रोडक्ट के ऑप्शन पे भेजेगा एंड लेट्स सी यहां पर आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है MySQL सर्वर, तो जस्ट आप इस पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपका आ रहा है जस्ट इस पे क्लिक करिए, ठीक है, एंड फाइनली यू विल गेट दिस ऑप्शन MySQL सर्वर 8.0.34। इसको सिलेक्ट करके आप इधर लेके आ जाइए, क्योंकि आपको इंस्टॉल करना है प्रोडक्ट, राइट। सेकेंड, यू हैव टू गो विद दिस एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में आपको सिलेक्ट करना है वर्कबेंच। एक्चुअली वर्कबेंच क्या है, दिस इज अ ग्राफिकल वर्जन टू वर्क विद MySQL, राइट। कि अगर आपके पास वर्कबेंच होगा तो MySQL के ग्राफिकल वर्जन को भी यूज कर पाएंगे, कि हाउ टू वर्क MySQL विद द ग्राफिकल वे, राइट। सो जस्ट वेट, मैं आपको पहले इसको इंस्टॉल कर लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। तो ये आपको वर्कबेंच को भी सिलेक्ट करना है एंड देन आपको इंस्टॉल करना है शेल को, ठीक है।
तो जस्ट सिलेक्ट ऑन दिस और फाइनली MySQL शेल, ये हमारा कंसोल एप्लीकेशन होगा MySQL के लिए। तो इन तीनों को इंस्टॉल करने के बाद अभी मुझे राउटर नहीं चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, एंड जस्ट गो टू दिस नेक्स्ट ऑप्शन, राइट। और अब देखिए, यदि सपोज इस तरीके को कोई वार्निंग आपके पास आती है, तो जनरली आपके सिस्टम पे नहीं आएगी, मेरे सिस्टम पे इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी मैंने MySQL के प्रीवियस वर्जन को इंस्टॉल किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई वो यही बता रहा है कि दिस सिलेक्टेड पाथ इज ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आई विल गो विद दिस नेक्स्ट एंड यस। और अब देखिए, व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये तीनों वर्जंस को इंस्टॉल करेगा, MySQL सर्वर 8.0.34, MySQL वर्कबेंच एंड MySQL शेल। अवॉइड दिस वार्निंग, अगर आप उस वार्निंग को अवॉइड भी करेंगे सो दैट इज नॉट अ मेजर इशू, ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी वो होगी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट की, ओके। सो लेट्स सी, उसको भी हम देखते हैं अभी यहाँ पे, बट पहले एक बार इसने MySQL सर्वर को इंस्टॉल कर दिया है, सेकंड इट इंस्टॉल द वर्कबेंच एंड फाइनली इट इंस्टॉल दिस शेल, तो लेट्स वेट टू इंस्टॉल द शेल ऑल्सो। और उसके बाद हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना है कि इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, ओके, पासवर्ड हमें क्या रखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसके प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करेंगे। सो जस्ट वेट टिल दिस shell is installed, takes hardly 1 or 2 minutes more, क्योंकि उसके बाद ही हम configuration environment पे जा पाएंगे and see उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम MySQL को use करके queries execution करेंगे, right? तो let's wait for some time. राइट, अब ये जो कंप्लीट हो चुका है, मेरे तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए एंड देन आई विल गो विद दिस प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर अब मुझे ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन का एंड लेट्स सी, यहां पर आपको प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट नंबर को चेंज नहीं करना है, जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज 3306 जो MySQL का अपना डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, आप उसको एज इट इज रहने दें, ओके, एंड देन गो टू दिस नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। TCP/IP इसमें अभी इनिशियली हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहां पर ही आपसे पूछ रहा है कि बॉस आपको पासवर्ड, क्योंकि MySQL रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन, इसको भी हम डिफॉल्ट सिलेक्शन को ही रहने देते हैं, और यहां पर आपको देना है अपना पासवर्ड, राइट। तो मैं यहां पर पासवर्ड रख रहा हूं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, root@data, ठीक है, मैंने इसको नाम रख दिया root@data, ठीक। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, एंड अगेन root@data, ठीक है, ओके। पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक है बट इट्स ओके, आप अपने हिसाब से पासवर्ड अभी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसको रखा है root@data के नाम से, एंड देन आई विल गो विद दिस नेक्स्ट ऑप्शन, एंड दिस इज व्हाट माय विंडोज सर्विस नेम, कॉन्फ़िगरेशन हम एज इट इज रहने देंगे, देन गो टू नेक्स्ट, ओके, एंड यस, ग्रांट सक्सेस, एंड देन नेक्स्ट, एंड देन एग्जीक्यूट दिस। तो ये वन बाय वन अब सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको इंस्टॉल करेगा, तो वी हैव टू वेट दिस अनटिल दिस कंप्लीट इंस्टॉलेशन इज नॉट डन, और उसके बाद फिर हम देखेंगे MySQL, ये देखिए आप, एंड देन फाइनली आई विल गो विद दिस फिनिश ऑप्शन, राइट, एंड देन प्रोडक्ट वर्कबेंच, ओके। ये वर्कबेंच को स्टार्ट करने के लिए आपसे पूछेगा कि आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर सेटअप, आपको वर्कबेंच और शेल को स्टार्ट करना है, यस, अभी हम इसको सिलेक्ट करने देते हैं, एंड देन आई गो विद दिस फिनिश, तो ये मेरे MySQL शेल को इंस्टॉल करेगा, एंड देन दिस इज व्हाट माय वर्कबेंच, आप देखिए ये मेरा वर्कबेंच आ गया, ठीक है, और ये मेरा शेल आ गया। तो अब इसके बाद आप इस पूरे सेटअप को क्लोज कर दीजिए, और आप देखिए ये आपका शेल, और ये इट विल आस्क द पासवर्ड, तो हमने पासवर्ड क्या दिया था वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, सो योर शेल विल, मैंने आपको पासवर्ड बताया था root@data, ठीक है, ओके, ठीक, एंड दिस इज व्हाट माय ग्राफिकल एनवायरनमेंट फॉर MySQL। अभी हम इसको आगे देखेंगे किस तरीके से यहां पर आपको क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है, राइट। और यहां पर अगर आप MySQL कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं तो सिंपली टाइप हियर MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, है ना, सिंपली यू हैव टू टाइप हियर MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, तो ये आ गया आपका कमांड लाइन क्लाइंट जहां पर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो सिंपली यू हैव टू राइट जो भी आपका पासवर्ड है root@data एंड सी दिस वन, ये मेरा MySQL का प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। और अब यहां पर अगर मैं MySQL की क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूं, सपोज मैंने लिखा सिंपली कि अभी करंट डेटाबेस कितने हैं, शो डेटाबेसेस, ठीक है, तो ये मेरे डेटाबेस शो हो गए, ठीक है। और यहां पर अगर मैं अपना डेटाबेस क्रिएट करता हूं जैसे मैंने आपको बताया था, तो सिंपली यू हैव टू राइट क्रिएट
क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम सपोज मैंने रख दिया डेटा फ्लेयर, ओके ये मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया, तो क्वेरी ओके और इसको यूज किया मैंने, आप देखिए यूज डेटा फ्लेयर, ठीक है दिस इज व्हाट माय डेटा फ्लेयर डेटाबेस इज चेंज्ड। और यहां पर अभी हमारे पास कोई टेबल नहीं है, तो अगर मैं अभी शो टेबल्स को क्लिक करता हूं देन आई विल नॉट फाइंड एनी टेबल्स हियर, लेकिन अगर मैं डेटाबेस की जो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस अगर उनकी टेबल देखूंगा सो डेफिनेटली आई विल गेट इट। So this is how to install MySQL server in your machine, ठीक है। और अभी Workbench को किस तरीके से use करना है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये अभी जो हमने बात की है पहली step में हम command line client को use करेंगे, और जितनी भी SQL की queries में भी आपको बताने वाला हूँ उन सारी queries का execution हम देखेंगे command line client पे। तो आई होप आपको ये इंस्टॉलेशन वीडियो समझ में आया है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको MySQL सर्वर को इंस्टॉल करना है। और यदि बीच में जो वार्निंग आई थी जस्ट अवॉइड दिस वार्निंग, क्योंकि वो मेरे सिस्टम पे इसलिए आई थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्रीवियस वर्जन था और उस प्रीवियस वर्जन को मैंने अनइंस्टॉल करके आपको अपडेटेड वर्जन अभी इंस्टॉलेशन बताया है, बट यू विल नॉट फेट दिस वार्निंग इन योर सिस्टम। तो सिंपली आप स्टेप्स को फॉलो करें और MySQL को इंस्टॉल करें, और फिर हम इसके आगे MySQL की क्वेरीज का एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हमें MySQL की क्वेरीज को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, बाय बाय।